आज आपके सामने में मैं क्रीम वाला चिकन, पोटैटो क्रीम चिकन बना रही हूँ। बनाने के लिए मैंने ली हूँ यहाँ पर 5 पोटैटो को 2 पीस करके काट के रखी हूँ। इसमें हल्दी मिर्चा मिला के रखी हुई हूँ। इसमें थोड़ा हल्दी मिलाऊंगी, मिर्चा मिलाई हूँ, हल्दी थोड़ा मिला दूंगी। और हमने लिए हैं यहाँ पर 1 कटोरी का माप से फ्रेश क्रीम, यहाँ पर 4 पिसा हुआ ऑनियन, 50 ग्राम अदरक का पेस्ट, 50 ग्राम गार्लिक का पेस्ट, और यहाँ ड्राई चिली, ये गरम मसाला थोड़ा सा, ये ऑनियन, मैंने 2 बड़े बड़े ऑनियन को काट लिए हैं, और यहाँ पर है साबुत जीरा, साबुत गोलमरीच, और ये लाल मिर्च, और ये आपका तेजपत्ता, 4 तेजपत्ता को मैंने छोटा छोटा टुकड़ा कर लिया है। और लिए हूँ यहाँ पर रेड शिमला मिर्च और हरा शिमला मिर्च 1-1 करके। और यहाँ हम लिए हैं 1 किलो चिकन, और इसको मैं बनाऊंगी घी में, घी भी यूज़ करूंगी इसको बनाने के लिए। मैं कढ़ाई में घी डालूंगी, चार से पांच चम्मच घी हमने इसमें कढ़ाई में डाल दी। और इसमें देख रहे हैं आप, 1 चम्मच चिली पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा नमक इसमें ऐड करूंगी। मैं 1 चम्मच नमक, इसमें 1 चम्मच नमक मिलाऊंगी। इसको अच्छे से मिलाऊंगी। इसको थोड़ा लाल करके अच्छा से भून लूंगी। देखिए मेरा पोटैटो फ्राई हो गया है। हम अब इसको 1-1 करके उठा के इस गर्म पानी में डालते जाऊंगी। अब इसमें मैं डाल दूंगी मेरा साबुत फोरन का मसाला, फिर इसमें डालूंगी ऑनियन, इसमें डालूंगी लाल शिमला मिर्च, कैप्सिकम, हरा कैप्सिकम, इसको थोड़ा सा तलूंगी। अब मैं इसमें फोरन के बाद मैं इसमें
चिकन को ऐड कर दूंगी। चिकन को थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी। इसमें मैंने डाल दूंगी थोड़ा सा मर्चा, ड्राई वाला चिली पाउडर 2 चम्मच और हल्दी पाउडर 1.5 चम्मच। इसको थोड़ा देरी भून लेंगी, अच्छा से थोड़ा सा फ्राई करूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी 4 जो ऑनियन पेस्ट मैंने पीस कर रखी थी वो ऑनियन पेस्ट इसमें डाल दूंगी और 50 ग्राम अदरक पेस्ट, पचास ग्राम गार्लिक पेस्ट यानि अदरक लहसुन का पेस्ट, मैं तीनों डाल दी। अब इसको मैं थोड़ा कस लूँगी अच्छा से। नमक मैंने अभी ऐड नहीं की ही किया हूँ, काहे कि चिकन से पानी फेंक देगा, इसलिए हम थोड़ा देरी में नमक ऐड कर दूँगी। देखिए अब इसमें हमारा ये चिकन कसा गया है। अब इसमें हम 2 चम्मच नमक ऐड कर दूंगी। मेरा जो फेस क्रीम रखे हैं इसको हम अच्छा से मिला के स्मूथ बना ले रहे हैं। देखिए मेरा चिकन भी अच्छा से तला गया, भुना गया है, इसको हम ये कर दिए हैं, कस लिए हैं चिकन को। इधर देखिए मेरे पोटैटो भी सीज गया है, हम ये दोनों को एक साथ ऐड कर देंगे। और इसका पानी को थोड़ा सा सूखने देंगे। मेरा ये चिकन बन चुका है, पोटैटो ग्रीन चिकन रेसिपी मेरा बन चुका है। आप देख सकते हैं अभी बन गया है। इसमें मैं थोड़ा सा गरम मसाला थोड़ा थोड़ा करके ऊपर से छिड़क दूंगी। और ऊपर से एक क्रीम ऐड कर दूंगी। इसमें आपका जो क्रीम है वो फ्रेश होना चाहिए, नहीं तो इसका टेस्ट बिगड़ सकता है। अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी। आपका मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।